आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है तुम्हें शायद न याद हो। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें शायद न याद हो वो मौसम बात करता था, तुम्हें शायद न याद हो भीगती सी वो दोपहर, शहर की मसरूफ सड़क पर हाथ थामे जहां हम साथ साथ चलते थे, खामोश बेलफ्ज बिन आवाज, जैसे फिजूल थी सारी बातें, जैसे खामोशी में थे सब हिसाब, जैसे नहीं था दुनिया में कुछ कहने सुनने को बाकी सिवाय इसके कि हम साथ थे। अजीब मंजिल थी सुकून की, न सवाल कोई न जवाब, सच और झूठ से बहुत आगे, गुनाह और सवाब से बहुत ऊपर, बस हम थे और कुछ नहीं। तुम्हें शायद न याद हो वो मौसम बात करता था। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंजने लगा। शादमान खान की इस नज्म ने जैसे कॉलेज एल्युमिनी में शामिल सभी लोगों के दिलों को छू लिया था। सामने बैठे दोस्त यार जिनसे शादमान की एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही थी, सभी के चेहरे खिले हुए थे। पुराने दोस्त मिलकर नई यादें बनाने की कोशिश में थे। इस तेज रफ्तार वक्त में सब कुछ कितना बदल गया था, सब लोग कितना आगे बढ़ गए थे। कॉलेज के दिनों में सबसे पीछे बैठने वाला वो दब्बू सा लड़का शशांक आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। हमेशा सिली जोक्स मारने वाली जेबा किसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और वो विक्रांत जो हर तीसरे दिन पैसे उधार मांगता था आज रियल स्टेट का इतना बड़ा कारोबारी बन जाएगा कौन जानता था। शादमान सोचने लगा कि कॉलेज के दोस्तों से इतने लंबे वक्त के लिए कट जाने का उसका फैसला शायद ठीक नहीं था। सब कुछ कितना बदल गया था इस बीच, इतना कि पुराने चेहरे अब नए हो गए थे। अरे क्या बात है भाई, बड़े सीरियस टाइप हो गए यार, नज्म वज्म एंड ऑल, मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाए सिद्धार्थ बोला तो शादमान सिर्फ मुस्कुरा दिया। खैर, सिड ने गलत क्या कहा, बदल तो वो गया ही था, लेकिन जब जिंदगी बदलती है तो चेहरा भी बदल जाता है। शायद महफिल में मौजूद तमाम लोगों में से ये कोई नहीं जानता था कि 2 साल पहले शादमान की पत्नी काविश का इंतकाल हो गया था, उसे कैंसर था। काविश की मौत के बाद शादमान यूं ही उदास रहता था, उदास और खामोश। बहरहाल पार्टी जारी थी। शादमान हॉल के किनारे रखे एक सोफे पर बैठ गया और पुराने चेहरों को देखकर पुराने किस्से याद करने लगा। लेकिन इन चेहरों में एक चेहरा नदारद था, वो चेहरा जिसके लिए वो इस जलसे में शामिल हुआ था। ये बात शायद 100% सही है कि ज्यादातर लोग अपने कॉलेजेस को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि उन पुरानी यादों में हमेशा एक किस्सा शामिल होता है, एक दास्तान, एक अफसाना इश्क। शादमान की नजर एक चेहरे को तलाश रही थी, वो चेहरा था ज़हरा सिद्दीकी का। शादमान की नजरें उस माहौल में ज़हरा को तलाश कर रही थी, शायद वो नहीं आई थी। शादमान उसे याद करते करते गुजरे हुए जमाने की यादों में खो गया। कितना हसीन था वो वक्त जब कॉलेज की लाइब्रेरी में वो मिले थे। वो पहली नजर का इश्क तो था, जिसके बाद न जाने कितने महीने शादमान ने ज़हरा के सामने वाली डेस्क पर किताब पढ़ने का नाटक करते हुए उसे झांकते हुए देखा था। शादमान साहब, किताब तो सीधी पकड़ लीजिए, एक बार कहा था उसने। शर्मिंदगी कहां हुई थी उस पल, खुशी हुई थी शादमान को कि चलो जबान पर नाम तो आया। फिर नजरों में इजहार हुआ, नजरों में इकरार हुआ, धीरे धीरे लाइब्रेरी से निकलकर इश्क खुली हवा में सांस लेने लगा। शादमान को एक बात याद आई तो उसके चेहरे पर हंसी छलक आई। उसे याद आया कि कैसे वो दिन भर एक दूसरे को सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम किया करते थे।
सब दोस्त यार इरिटेट होते थे कि यार क्या तुम दोनों पूरे दिन एक दूसरे को सलाम सलाम करते रहते हो। वो कहां जानते थे कि जहरा और शादमान कोड वर्ड में सबके सामने इश्क का इजहार करते थे। उनके लिए सलाम वालेकुम का मतलब था आई लव यू और वालेकुम सलाम का मतलब था आई लव यू टू। इश्क की सब कहानियों में हैप्पी एंडिंग कहां होती है। शादमान जहरा की मोहब्बत भी एक वक्त के बाद जिंदगी की पेचीदा गलियों में तंग नजरों के बीच किसी मुजरिम की तरह लाकर खड़ी करती गई। जमाने को इश्क शायद सिर्फ शायरी में अच्छा लगता है, क्योंकि शायरी में ना कोई पठान होता है और ना कोई शेख। दरअसल जहरा के वालिद कहते थे कि शादमान खान और जहरा सिद्दीकी दो अलग नाम है जो कभी नहीं मिल सकते। बिरादरी भी कोई चीज है, लेकिन शादमान जानता था कि सच तो यह था कि वो जहरा की शादी एक अमीर कारोबारी से तय कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि जहरा ने इनकार नहीं किया, लेकिन जब वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने जहरा को अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उस लड़के से शादी करने के लिए कहा तो जहरा को मानना पड़ा। यह और बात है कि जहरा की शादी के बाद वालिद साहब भले चंगे हो गए, लेकिन जहरा और शादमान की इश्किया कहानी यहीं खत्म हो गई थी। कैसे हो शादमान? शादमान यादों में खोया ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये लम्स, ये छुअन और आवाज जानी पहचानी थी, जैसे गुजरे जमाने की कोई आवाज उसे फिर से पुकार रही थी। शादमान ने पलट कर देखा तो चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट पहने जहरा खड़ी थी। जहरा के चेहरे का अक्स शादमान की आंखों में था। वो हैरानी से उसे देखता रहा। वो जरा भी नहीं बदली थी। हाँ, गाल जरा भर गए थे, लेकिन आंखों की कशिश अब भी वही थी। शादमान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, अस्सलाम वालेकुम। जहरा खामोश रही, फिर कुछ देर बाद बोली, कैसे हो तुम? अब मैं ठीक हूं। अच्छा, जहरा ने कहा, और उसके बाद दोनों खामोश हो गए, जैसे दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वो खामोशी इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे दुनिया की हर बात फिजूल है। दोनों के जहन में गुजरे वक्त की कई आवाजें गूंज रही थीं, जिनमें हंसी भी थी और सस्कियां भी। काश शादमान ही जानता होता कि उसे बिछड़ने और शादीशुदा हो जाने के बाद जहरा किन हालात से गुजरी थी। काश उसे पता होता कि सोने के पिंजड़े में कैद होने के बाद उसने नींद में कितनी बार शादमान को पुकारा। काश वो जानता होता कि जहरा शादी के बाद एक पल भी उसे नहीं भूली, खासकर तब जब 6 महीने पहले उस लड़के से उसकी तलाक हुई। हाउ इज योर वाइफ? खामोशी को तोड़ते हुए जहरा का एक सवाल शादमान की तरफ आया। शादमान जहरा को अपना सच बताकर, अपनी वाइफ की मौत के बारे में बताकर उसे उदास नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि सच बोलने से एक जख्म जो वक्त की मरहम से कुछ भर गया है फिर से ताजा हो जाएगा, और वैसे भी उसे तो यही लगता था कि जहरा अपनी जिंदगी में खुश है। लिहाजा उसने कहा, वो अच्छी है, शी इज फाइन। जवाब सुनकर जहरा मुस्कुराती। अब की शादमान ने उससे पूछा, और तुम्हारे शोहर? इस बार जहरा के मन में वही ख्याल आया कि अपनी तलाक के बारे में बताकर उस टीस को दोबारा क्यों जिंदा किया जाए। जहरा ने कहा, हाँ वो भी ठीक हैं। वो दोनों उन बिछड़े हुए अजनबियों की तरह थे जो एक दीवार के आर पार खड़े थे, एक दीवार जो गिर जाती तो शायद वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते, लेकिन कांच की वो दीवार नजर ही कहां आ रही थी। पर उदासियों के बादल वक्त की हवाएं हटा ही देती हैं। कुछ देर के बाद उनमें बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। अपने अपने हिस्से का एक एक झूठ वो दोनों एक दूसरे से छुपाए हुए बातें करने लगे, गुजरे जमाने की बातें। वो दोनों ही एक दूसरे को उदास नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं मुलाकातों से नजदीकियां फिर ना जिंदा हो जाए, कोई सिलसिला शुरू ना हो जाए। शादमान जहरा के लिए फिक्रमंद था और जहरा शादमान के लिए। वो एक दूसरे की खुशियों में रोड़ा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के असल हालात से नावाकिफ थे। शायद इसीलिए शादमान ने यह तय कर लिया था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है।
पार्टी खत्म हुई तो माहौल में शोर शराबा गूंजने लगा। अलविदा, बाय, सी उसून की आवाजों के बीच शादमान की नजर जेहरा पर थी, वो भी जा रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। न जाने क्यों पर शादमान को यह लगने लगा कि जेहरा एक बार फिर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही है, जबकि वो तो जा ही चुकी थी उसकी जिंदगी से। लेकिन उसे यूं जाता हुआ देखना एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रहा था, जैसे वो अपनी खो चुकी मोहब्बत को फिर से खो रहा है। कम से कम एक सिलसिला तो जिंदा रहे, एक राबता तो बना रहे, वो सोच ही रहा था कि उसने देखा भीड़ में जाती हुई जेहरा ने उसे पलट कर देखा। वक्त जैसे ठहर गया था। शादमान बेतहाशा उसकी तरफ दौड़ा और भीड़ को हटाते हुए उसके करीब पहुंचा। उसे पास आता देखकर जेहरा ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब ये मेरा नंबर है, शादमान ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो मुस्कुराई और चली गई। शादमान उसे देखता रहा तब तक जब तक वो उसे देख सकता था। थके कदमों से शादमान वापस होटल आ गया, लेकिन पूरी रात वो जेहरा के बारे में सोचता रहा। उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। रात भर उसकी बोझल आंखों ने क्या क्या ख्वाब देखे उसे कहां याद था। सुबह उसकी नींद खुली तो मोबाइल फोन बज रहा था। हेलो, वो आवाज सुनकर शादमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जेहरा ही तो थी। अस्सलाम वालेकुम जेहरा। जेहरा ने फिर से जवाब नहीं दिया। फिर वो बोली, शादमान मैं मिलना चाहती हूं, मिलोगे? जेहरा के वो लफ्ज शादमान के मुताबिक दुनिया के सबसे खूबसूरत लफ्ज थे। और कुछ ही देर बाद वो दोनों कॉलेज के पास की उस पुरानी चाय की दुकान के पास मिले। खामोशी अब धीरे धीरे टूट रही थी। अपने अपने हिस्से का सच छुपाए दोनों एक दूसरे की मुस्कुराहट को बचाते शहर भर में फिरते रहे, अपने पुराने अड्डों को फिर से याद करते हुए। वो पुराना किला भी गए जहां कॉलेज के दिनों में अक्सर जाया करते थे। शादमान किले की दीवारों पर अपना और जेहरा का नाम लिखता था तो जेहरा उसे मना करती थी, दीवारें मत खराब करो शादमान, ये गलत बात है। लेकिन आज शादमान की नजर उन्हीं दीवारों पर थी। तभी उसकी नजर उस भूरी दीवार के एक हिस्से पर ठहर गई जहां लिखा था, जेहरा शादमान। शादमान और जेहरा उस नाम पर अपनी उंगलियां फेराने लगे। इस बीच जितनी बार भी उनकी उंगलियां टकराई, अतीत से आती कुछ गूंजती हुई आवाजें दोनों ने साफ साफ सुनी। फिर खुद को संभालते हुए जेहरा ने कहा, I'm getting late, मुझे वापस जाना है। जेहरा और शादमान ने उस मुलाकात में उन तमाम जगहों को देखा जहां वो दोनों कॉलेज के जमाने में जाया करते थे, लेकिन शहर के उस मून व्यू हिल पर जाने से पहले ही जेहरा वापस चली गई थी। मून व्यू हिल, जहां कॉलेज के दिनों में वो जाना चाहते थे। उन दिनों जेहरा की ख्वाहिश थी कि एक पूरी रात मून व्यू हिल पर शादमान के कंधे पर सर रखकर गुजारे, लेकिन हॉस्टल वार्डन की 9 बजे से पहले लौट आने की जो हिदायत थी उसके चलते कभी ऐसा हो नहीं सका। और आज इतने सालों के बाद जब वो मिले तो उनके दरमियान इतना कुछ था कि वहां जा पाना मुनासिब नहीं था। इधर शादमान जान गया था कि एक हफ्ता अपने पुराने शहर में रहना अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो तो शायद उस एलुमनाई में आता भी नहीं, लेकिन बिजनेस मीटिंग के लिए इस शहर में आना तो था, तो लगे हाथ इस गेट टुगेदर में भी शामिल होने का इरादा कर लिया। लेकिन यह इरादा अब भारी पड़ने लगा था। जेहरा की एक झलक देखने के बाद उसे बार बार देखने का मन हो रहा था। वो अपनी कश्मकश से थक गया था। वो जेहरा को दिल की हर बात साफ गोई से बता देना चाहता था। हालांकि उसे डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि सच जानने के बाद जेहरा और टूट जाए। उसे यह ना पता चले कि वो अकेला है, क्योंकि वो जानता था कि जेहरा ने वो शादी अपनी खुशी से नहीं की थी। कहीं ऐसा ना हो कि जेहरा अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर ले। लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी। वो दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया था। वो जेहरा के कंधे पर सर रखकर जी भर के रोना चाहता था। अपने पुराने दिनों को याद करके पल भर के लिए ही सही जेहरा के साथ मुस्कुराना चाहता था। लेकिन उस वक्त दिल और दिमाग जैसे जंग में आमने सामने खड़े दो सिपाही थे। दिल ये कहता था कि जेहरा को सब कुछ सच सच बता दिया जाए,
लेकिन दिमाग कहता था कि इस फैसले में जेरा के लिए सिर्फ उदासियां हैं। लेकिन लंबी कश्मकश में आखिर उसके दिल की जीत हुई। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो जेरा को अपना सच बता के रहेगा। वो ये बताएगा कि उसकी वाइफ का इंतकाल हो चुका है और वो अकेला है। एक बार ही सही, वो जेरा के कंधे पर सर रखकर देर तक रोएगा। शादमान के बताए हुए वक्त पर जेहरा मून व्यू हिल पर पहुंच गई। मून व्यू हिल शहर का वो किनारा था जो रात भर गुलजार रहता था। सामने समंदर का किनारा था और उसके पीछे चांद का नजारा। यही तो जेहरा आना चाहती थी जाने कब से, लेकिन कभी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और कभी हालात ने। लेकिन आज ये मौका उसे मिल गया था। वो खुश थी कि कम से कम आज एक बार उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो पाएगी जो जाने कब से उसके मन में दबी हुई थी। उसने शादमान को वहां आते हुए देखा। शादमान के चेहरे पर थकान थी। वो आकर जेरा के पास बैठ गया। हवा की सरसराहट में जेरा के बाल उड़ रहे थे। शादमान के लिए यह पल बहुत खास था। वो जेरा को उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा था जो उसके मुताबिक शायद आने वाले वक्त में उन दोनों की जिंदगी उथल पुथल कर सकती थी। वो जेरा को सच बताने के लिए खुद को तैयार करने लगा। इस दौरान शादमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने वाकई जेरा के कंधे पर सिर टिका दिया। जेरा के लिए ये सुकून की आखिरी मंजिल थी। लेकिन तभी जेरा के जहन को एक ख्याल ने छुआ और वो अंदर तक कांप गई। ये गलत है जेरा, उसने खुद से मन ही मन में कहा। तुम एक हंसता खेलता घर क्यों झाड़ने पर तुलियो? जो लिखा जाना था वक्त लिख चुका है, उसे काट कर लिखावट को बदसूरत क्यों बनाना चाहती हो तुम? शादमान पर अब उसकी पत्नी का हक है और ये हक तल्फी है, ये गलत है। इस तरह तो शादमान अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर लेगा। शादमान, जेरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, रात काफी हो गई है, मुझे जाना है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। देखो, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। वक्त हमारे रास्ते चुन चुका है। ऐसे में हमारा दोबारा एक दूसरे के बारे में ख्याल लाना भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अब हमें नहीं मिलना चाहिए। शायद दोनों के लिए यही बेहतर होगा। शादमान उसे एक टक बस देखता रहा। वो खामोशी बहुत भारी थी। इस वक्त जेरा उसे सामने चमकते हुए चांद की तरह लग रही थी, जिसे वो देख तो सकता था लेकिन हाथ बढ़ाकर पा नहीं सकता था। रात भर उस मून व्यू हिल पर बैठने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया था। जेरा उठी और जाने लगी। शादमान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। जेरा रुकी, वो मुड़ी, जेरा ठहर गई, पलटकर कांपती हुई आवाज में कहा, वालेकुम सलाम। जेरा जा चुकी थी और रात अगले पहर की तरफ बढ़ती जा रही थी। देर तक शादमान उसी पहाड़ी पर बैठा सोचता रहा कि जेरा ने वालेकुम सलाम क्यों कहा। फिर उसने मान लिया कि शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उनके बीच सलाम का मतलब क्या था। वो भूल चुकी है सलाम का मतलब और उनकी बीती यादें दोनों। तो दोस्तों, ये थी कहानी तुम्हें शायद ना याद हो, इसे लिखा है मैंने। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com।
अगर आप ये कहानी Spotify या Apple Podcast पे सुन रहे हैं तो प्लीज हमें रेटिंग्स दीजिए, जितने भी स्टार आप देना चाहें। इससे ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचता है। कहानी का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।